अनुपात में इस तरह का सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:4, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो हम लोग सिंपल लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, उसके बाद इसका मान बैठा देंगे 3:4, और यहाँ बी अनुपात सी 5:4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5:4, और जहां खाली है यहाँ पे तो इसको हम लोग बढ़ा करते हैं 4 लिख देंगे। यहाँ 5 है, इधर खाली है 5 के आगे, जिसके आगे खाली रहेगा उसी के आगे लिख देना है उसी को। यहाँ 5 के आगे 5 है तो यहाँ 5 लिख देना है, और यहाँ ऊपर नीचे गुना कर देना है, 5 3 15, फिर अनुपात 5:20, अनुपात 4:16, यही आपका ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी।